हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। प्रीवियस क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर डिस्कस किए थे, आज नेटवर्क थ्योरम का दूसरा पार्ट है, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। ओके, थेवेनिन थ्योरम का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे आज, उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करके वो एक्सप्लेनेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आज यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो एक सर्किट हमारे पास है, कुछ इस तरह सा बहुत ही बेसिक सा एक सर्किट है, दैट इज वी आर वन आर टू एंड ये है लोड रेजिस्टेंस, ओके आर एल। क्लियर, सो करेंट फ्लो थ्रू आर एल इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वी ओ सी बाई आर टी एच प्लस आर एल। ओके, सो ये जो वी ओ सी है इसको हम लिख सकते हैं और वी टी एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वी ओ सी कहा जाता है और वी टी एच को कहा जाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ओके। और ये जो आर टी एच है दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। राइट, एंड आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस। नाउ ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इज नथिंग बट द वी ओ सी, ओके। व्हेन वी रिमूव दिस लोड रेजिस्टेंस आर एल, दैट मीन्स रिमूविंग दिस लोड रेजिस्टेंस आर एल, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दैट ओपन सर्किट टर्मिनल, दैट इज नथिंग बट वी टी एच और वी ओ सी। Clear? And RTH is the internal resistance of that circuit viewed from load terminal. अगर हम लोग load terminal से consider करेंगे तो ये जो circuit का एक internal resistance रहेगा और internal resistance calculate हम लोग करेंगे, that is nothing but RTH, that means Thevenin equivalent resistance, okay? When all other sources are replaced by their internal resistance, that means जब हम लोग आर टी एच कैलकुलेट करेंगे तब ये जो सोर्स है ये इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग इसके रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स ये जो सोर्स है इसको इनएक्टिव कर देंगे। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए एक शॉर्ट सर्किट से हम लोग यहाँ पे इस सोर्स को इनएक्टिव किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि करंट फ्लो थ्रू एनी लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी ओ सी बाई आर टी एच प्लस आर एल, वेयर वी ओ सी और यू कैन से दैट वी टी एच इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। Thevenin equivalent voltage is nothing but the open circuit voltage. That means after removing this load resistance, what will be the voltage across that open circuit terminal? That is nothing but the Thevenin equivalent voltage. Okay, and RTH is the internal resistance of that circuit viewed from load terminal. That means load terminal से अगर हम लोग consider करेंगे, तो ये circuit का जो internal resistance आएगा, that is RTH. और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के टाइम पे हम लोगों को सोर्स जो है, सारा जो सोर्स है सर्किट में, उस सभी को इनएक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। इनएक्टिव कैसे किया जाता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है शॉर्ट सर्किट करके। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस करेंगे, और करंट सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है ओपन सर्किट करके। अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो उसे भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जनरली वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, दैट मीन्स नियर टू इन्फिनिटी। क्लियर, तो इस तरह से एक थेवेनिन थ्योरम को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली रियल प्रॉब्लम में थेवेनिन थ्योरम कैसे यूज होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ चलते हैं, ओके।
ये जो थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम का एक्चुअली हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वन इज फॉर डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, एंड नंबर टू इज इंडिपेंडेंट सोर्स। ओके, दैट मीन सर्किट में अगर डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो ये जो VTH और RTH है इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो उसका कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो अलग से होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे ये जो नंबर टू वाला जो है इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स, ओके। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। ओके, देखो प्रॉब्लम में क्या है कि फाइंड करंट थ्रू 15 ओम रजिस्टर। ओके, और यहां पे देखो जो सोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स। हम लोग जानते हैं कि किसी इंडिपेंडेंट सोर्स और किसी डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स, सो ये इंडिपेंडेंट सोर्स वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड करंट थ्रू 15 ओम रजिस्टर। ओके, दैट मीन्स ये जो 15 ओम रजिस्टर है दिस विल बी कंसिडर्ड एट द लोड रेजिस्टेंस। ओके, सो ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस दैट इज RL, राइट। तो थेवेनिन थ्योरम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, फर्स्ट स्टेप है व्हेन एवर यू गेट द प्रॉब्लम देन ओनली यू रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम मिलते ही ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसे रिमूव कर दो, इसे निकाल के फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम का अंत में एकदम लास्ट में हम लोग इसे फिर से लाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज रिमूव RL। ओके, तो RL को रिमूव करके सर्किट कैसे दिखेगा देखो। ओके, ये है लोड टर्मिनल, यहाँ पे RL कनेक्टेड था तो RL को हमने हटा दिए, ठीक है। तो सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज रिमूव RL, फर्स्ट स्टेप। प्रॉब्लम मिलते ही RL जो है, RL मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि 15 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालो, तो वही लोड रेजिस्टेंस है। मान लो कि क्वेश्चन रहता कि फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस, सो ये लोड रेजिस्टेंस बन जाता, ठीक है। सो क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस के अंदर में अंदर से थ्रू करंट निकालना है, ये उसके पावर निकालना है, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, वो हम लोग लोड रेजिस्टेंस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो उसे हम लोग पहले ही निकाल के फेंक देंगे, हो गया। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप टू, इस हम लोग VOC कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेट VOC और VTH, VOC और VTH, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये जो सर्किट है इस सर्किट में इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट का पोटेंशियल ही VOC है, दैट मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज है। दैट मीन्स ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल में कितना वोल्टेज है ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसका जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट फ्लो का वैल्यू निकालेंगे। सो I इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 12। ओके, सो 24 डिवाइडेड बाई 16। ओके, सो 24 डिवाइडेड बाई 16 विल बी 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, देखो ये जो पॉइंट का पोटेंशियल है वो निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 24 वोल्ट। सो 24 वोल्ट से अगर हम लोग ये ड्रॉप और ये ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो आएगा यहाँ का पोटेंशियल, राइट। सो नाम देते हैं इसे VOC। ओके, सो VOC equals to 24 minus
1.5 into 1 plus 1.5 into 3. That is equals to, देखते हैं क्या आता है. So 1.5 into हम लोग 4 कर देंगे क्योंकि 3 plus 1 that is 4 हो गया. So 24 minus 1.5 into 4 that is 18. So VOC that means open circuit voltage or VTH, VOC that is equals to VTH. Okay, so Thevenin equivalent voltage बन गया 18 volt. ये Thevenin equivalent voltage को हम दूसरे तरीके से भी निकल सकते हैं. और देखो current flow कितना हो रहा है, 1.5 ampere. तो ये 12 volt में जो drop है वही है VOC, है कि नहीं. 12 volt में जितना voltage drop हो रहा है that is the VOC, nothing but. So हम लोग लिख सकते हैं कि VOC is 12 into 1.5, that is 18 volt. Okay, that is equals to VTH. So same answer आया. Okay, so इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं. ठीक है, no problem. कोई भी एक procedure हम लोग use कर सकते हैं. ठीक है, तो VOC आ गया. Next third step क्या है? Calculate RTH. ओके, कैलकुलेट आरटीएच. तो आरटीएच निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आरटीएच निकालने के लिए ये सर्किट हम लोगों को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा बाय इनएक्टिव दिस सोर्स. ओके, सो हम लोग ये जो सर्किट है ये फिर से ड्रॉ करेंगे. देखो यहां पे वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव कर दिए हैं. ठीक है, सो दैट इज 1 ओम, 3 ओम एंड 12 ओम. ठीक है, तो ये हमारा लोड टर्मिनल है. अब हम लोग यहां से दिखेंगे, दैट मींस ये टर्मिनल से हम लोग कंसीडर करेंगे और ये सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम लोग निकालेंगे. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट आरटीएच. सो हम लोग लिख सकते हैं आरटीएच इक्वल्स टू, ये देखो 3 प्लस 1 सीरीज में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं 4 पैरेलल 12. ओके, सो 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 3 ओम. हो गया. So RTH is nothing but 3 ohm. Clear? So अब हम लोगों को क्या निकालना है? देखो, हम लोगों को निकालना है कि current flow through 15 ohm resistor. अब हम लोग draw करेंगे. देखो, हमारे पास आ गया VTH and RTH. Okay? Next step is step 4. Step 4 is draw Thevenin equivalent circuit तो Thevenin equivalent circuit कैसे दिखता है? Thevenin equivalent circuit consists of a voltage source that is nothing but VTH equals to 18 volt in series with a resistance that is RTH equals to 3 ohm. Okay, और यहाँ पे लोड टर्मिनल में हम लोग जो लोड रेजिस्टेंस है उसे कनेक्ट करेंगे. देखो, हम लोग जो लोड रेजिस्टेंस उठा के फेंक दिए थे वो हम लोग फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं. ठीक है, सो दैट इज अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. क्लियर? तो अब देखो हम लोगों को पास हम लोग क्या निकालना है, करंट फ्लो थ्रू दिस 15 ओम रेजिस्टर. ओके, सो ये हम लोग इजीली कह सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3. ओके, पर हम लोग अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि I इक्वल्स टू VOC डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL. सो VOC यहां पे क्या है? 18 डिवाइडेड बाय RTH इज 3 प्लस 15. ओके, दैट मींस 18. सो यहां पे क्या आएगा? 1 एम्पीयर. ओके, सो इजीली हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करके भी कर सकते हैं और यहां पे सर्किट में से भी हम लोग कर सकते हैं. हो गया. तो इस तरह से एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. ये सिंपल सा प्रॉब्लम को हम लोग सिंपली थेवेनिन थ्योरम के मदद से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है,
प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं भी हो सकता है, और भी बहुत सारे का ब्रांच हो सकते हैं, और भी बहुत सारे का सोर्सेस हो सकता है, ठीक है। उस सभी को कंसीडर करके हम लोग इजीली ये थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर स्टेप को याद रखो, पहला जो स्टेप है रिमूव आरएल, प्रॉब्लम मिलते ही आरएल जो है वो उठा के फेंक दो, उसी का उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रीड्रॉ करो सर्किट को, आरएल को रिमूव करके क्या सर्किट है उसको रीड्रॉ करो, फिर कैलकुलेट वीटीएच, ठीक है, देन कैलकुलेट आरटीएच, देन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखो, और उसके अगर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है तो वो निकालो, ठीक है। सो दिस इज फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्स व्हेन द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, क्लियर। अगर सर्किट में ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तब हम लोग ऐसे इस मेथड से आरटीएच और वीटीएच हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पर अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स की जगह में डिपेंडेंट सोर्स रहेगा या इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो इस तरह से डायरेक्टली हम लोग आरटीएच वीटीएच नहीं निकाल सकते। कैसे निकालना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम, यह है डिपेंडेंट सोर्स का प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे जो सर्किट है यहाँ पे ये जो है ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है ये, क्योंकि ये जो करंट सोर्स है ये सर्किट की किसी और करंट पे डिपेंडेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ओके। यहाँ पे एक सोर्स है वोल्टेज सोर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स, ओके। हम लोगों को क्या निकालना है, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब सिर्फ हम लोगों को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तक ड्रॉ करना है। ये जो लोड टर्मिनल है देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है तो हम लोग डायरेक्टली ये सोर्स को इनएक्टिव करके आरटीएच नहीं निकाल सकते, ठीक है। दैट मीन्स आरटीएच निकालने के लिए हम लोग पिछले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए क्या किए हैं कि ये सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे, ये सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे, और लोड टर्मिनल से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। पर यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो आरटीएच निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वीओसी बाय आईएससी, ओके। वीओसी इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट वोल्टेज सेम एज प्रीवियस है, और यहाँ पे एक नया टर्म आया है वो है शॉर्ट सर्किट करंट, दैट मीन्स ये जो लोड टर्मिनल है ये लोड टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, फिर देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओके। फिर हम लोग वीओसी बाय आईएससी करके आरटीएच निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट हम लोग निकालते हैं कि वीओसी, ओके। वीओसी, ओके, तो सर्किट को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, ओके। यह है हमारा सर्किट, दिस इज 6 वोल्ट, 9 आई, यह है आई, ओके, और यह है 10 ओम, और ये जो टर्मिनल का वोल्टेज है दैट इज वीओसी, दैट मीन्स ये जो पॉइंट का वोल्टेज है दैट इज ऑल्सो वीओसी, ओके। तो यहाँ पे जो I है 9I, दैट मीन्स ये जो I है दैट इज सेम, ओके, ये I और ये I सेम, ओके। सो ये जो I का वैल्यू है ये देखो क्या है, 6 माइनस वीओसी डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्मॉल I का वैल्यू निकाल लेते हैं, सो दैट इज हम लोग अगर यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 0 0 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा, फिर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या है, 6 माइनस वीओसी डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20, दैट मीन्स 100, ओके। अब हम लोग ये जो टर्मिनल है, ये जो पॉइंट है, नोड है, इसमें हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट मीन्स KCL मीन्स समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ओके। सो ये हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके। सो अप्लाइंग KCL एट वीओसी नोड, ओके।
तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो करंट है दैट इज इनकमिंग करंट, ओके मैं फिर से रेड इंक से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो करंट है दैट इज इनकमिंग करंट, ये जो 9i है दैट इज ऑल्सो इनकमिंग करंट, एंड ये जो 10 ओम के थ्रू जा रहा है दैट इज आउट गोइंग करेंट. ओके सो समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करेंट, राइट. सो 6 माइनस VOC डिवाइडेड बाई 100, ये जो इनकमिंग करेंट, प्लस 9i, i का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है. सो 9 इंटू 6 माइनस VOC डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू VOC बाई 10. ओके देखो यहाँ पे ओनली VOC अननोन है, सो ये इक्वेशन से हम लोग VOC का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो कैलकुलेट VOC, ये RTH का जो फॉर्मूला मैंने लिखे हैं ये नहीं चाहिए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है. तो देखो यहाँ पे दोनों साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कोई कुछ नहीं रहेगा, ठीक है. सो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 माइनस VOC प्लस 54 माइनस 9 VOC इक्वल्स टू 10 VOC, ठीक है. तो यहाँ पे देखो 54 प्लस 6 दैट इज 60 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10 VOC, उधर जाएगा तो 10 VOC प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 10 दैट इज 20 VOC. देयरफोर VOC इज 3 वोल्ट. तो एक आ गया VOC आ गया हमारे पास, ठीक है. तो VOC का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ओके. अब हम लोगों को निकालना है कि ISC का वैल्यू, दैट मीन शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू, ओके. सो नेक्स्ट इज ISC, ओके. तो हम लोग फिर से ये सर्किट ड्रॉ करेंगे. ये लोड टर्मिनल को हम लोग यहां पे शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि इसके अक्रॉस में एक शॉर्ट सर्किट है, सो पूरा करंट इस तरफ से फ्लो हो जाएगा. तो ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है. इसको हम लोग क्रॉस कर दिए हैं, ओके. सो फिर से हम लोग यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, नोड लेते हैं, 0 0 0 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे भी 0, ओके. सो दैट इज 6 वोल्ट. सो ISC देखो ISC क्या होगा, ISC होगा ये ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है प्लस 9i, ओके. 9i ऊपर की तरफ है तो ये पॉइंट में ये पॉइंट, ये करंट और 9i ऐड होगा तो वो समेशन ही शॉर्ट सर्किट इस ब्रांच से फ्लो होगा, सो दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट, ओके. सो पहले हम लोग निकालते हैं कि आई का वैल्यू क्या है. आई इज 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.06, ओके, एम्पियर, राइट. तो 0.06, अब 9i इक्वल्स टू 9 इंटू 0.06, ओके. सो ISC विल बी, ISC इज नथिंग बट i प्लस 9i, ओके, दैट इज नथिंग बट 10i. सो यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, 0.06, सो 10 इंटू 0.06, सो दैट इज नथिंग बट 0.6 एम्पियर, हो गया. तो ISC का वैल्यू क्या है, 0.6 एम्पियर. अब हम लोग क्या निकालेंगे, RTH का वैल्यू. RTH इज VOC डिवाइडेड बाय ISC, सो VOC का वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 0.06, सो दैट इज 5 ओम, क्लियर. सो ये 5 ओम आ गया RTH का वैल्यू. अब हम लोग कोई कुछ नहीं करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. तो ये अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा के यहाँ पे ही हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं.
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट प्रीवियस की तरह एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कंसिस्ट होगा. ओके, सो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स दैट इज VTH एंड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस दैट इज RTH. यहाँ पे RTH का वैल्यू क्या आया 5 ओम और VTH इज नथिंग बट VOC. ये क्या आया VOC का वैल्यू 3 वोल्ट. ओके, सो दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर. समझ में आया? तो हम लोग देखे हैं कि सर्किट में अगर डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली RTH का वैल्यू नहीं निकाल सकते. डायरेक्टली मतलब ये जो सोर्स है इसको इनएक्टिव करके अगर हम लोग लोड टर्मिनल से देखेंगे तो ये सर्किट का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वही RTH है. कॉमनली कॉन्वेंशनली पर यहाँ पे हम लोग एज बिकॉज एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग को RTH निकालने के लिए VOC by ISC करना पड़ेगा. ठीक है, तो VOC is nothing but VTH and ISC अलग से हम लोग कैलकुलेट करके VOC by ISC करके हम लोग यहाँ पे जो RTH है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखें कि थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट, थेवेनिन थ्योरम स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है, जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देखे हैं. थेवेनिन थ्योरम का एनालिसिस करके दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं. एक प्रॉब्लम था इंडिपेंडेंट सोर्स से, दूसरा प्रॉब्लम था डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय. Thank you.